आज हम डिस्कस करेंगे का एक टॉपिक स्टोरेज के बारे में जिसमें कि जेडीसी कोल्ड स्टोरेज सी और हाइड्रो के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले है कि स्टोरेज क्यों रिक्वायरमेंट है स्टोरेज क्या है इसके क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या इसके डिसएडवांटेजेस होंगे तो सबसे पहले जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं जनरली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं यानी कि ऐसी कमोडिटीज़ जो कि बहुत जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं तो ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं इसीलिए इनके हार्वेस्टिंग से लेके इनको बेचने तक का जो टाइम पीरियड होता है उनमें इनकी क्वालिटी को मेनटेन रखने के लिए और ये किसी भी डिफरेंट पैथोजन या डिजीज़ के कारण इनकी क्वालिटी डेटरियट नहीं हो या फिर इनकी क्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े इसके कारण से स्टोरेज करना इनका बहुत आवश्यक है अब स्टोरेज जो है कोई भी चाहे स्टोरेज स्ट्रक्चर हो वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है तो स्टोरेज का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो होता है ट्रांसपीरेशन रेट को कंट्रोल करना रेस्पायरेशन रेट को कंट्रोल करना और डिजीज एंड इंसेक्ट के इन्फेस्टेशन से कमोडिटी को प्रोटेक्ट करना स्टोरेज बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है द प्रिंसिपल गोल ऑफ स्टोरेज इज़ टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन रेस्पाइरेशन डिजीज एंड इंसेक्ट इन्फेस्टेशन क्योंकि जितनी ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पाइरेशन होती है कमोडिटी का जो, की जो सेल्फ लाइफ होती है वो उतनी ही कम होती है जितनी ज्यादा रेस्पायरेशन कमोडिटी करेगी उतना ज़्यादा उसमें डिटेरिएशन होगा नेक्स्ट है कि अगर एक प्रॉपर टाइम पर किसी कमोडिटी की हार्वेस्टिंग की जाएगी उसमें पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ जो डिजीज़ और इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा इफेक्टिव केमिकल ट्रीटमेंट उसको दिया जाएगा रेफ्रिजरेटर एंड कंट्रोल्ड या फिर मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर जैसा एनवायरमेंट अगर किसी कमोडिटी को दिया जाएगा तो हम उस कमोडिटी की स्टोरेज लाइफ स्टोरेज सेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज कर सकते हैं स्टोरेज करने की किसी भी कमोडिटी को मेन गोल क्या हो सकते हैं सबसे पहला जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर रेस्पिरेशन रेट जो है उसको कम कर देते हैं दूसरा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्लो कर देते हैं और तीसरा जो है वो है कि ट्रांसपीरेशन लॉसेस को रिड्यूस कर देते हैं ये मेन गोल है स्टोरेज के अब जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो किसी भी कमोडिटी को किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि क्या वो कमोडिटी उस, उस पर्टिकुलर स्टोरेज कंडीशन में रह सकती है क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं तो किसी भी कमोडिटी के लिए एक पर्टिकुलर स्टोरेज कंडीशन को चूज़ करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है जैसे कि उस पर्टिकुलर स्टोरेज कंडीशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए वो पर्टिकुलर स्टोरेज जो स्ट्रक्चर है वो उस पर्टिकुलर कल्टीवर के लिए सूटेबल होनी चाहिए अप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटी जितना भी उसको ह्यूमिडिटी मॉइस्चर रिक्वायरमेंट होता है वो उस स्टोरेज स्ट्रक्चर में उसको मिलना चाहिए और सूटेबल मैनेजमेंट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए नेक्स्ट है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं क्योंकि वो हार्वेस्टिंग uh, के बाद भी वो रेस्पायरेशन कर रहे हैं उनमें फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या लिविंग कमोडिटीज़ हैं जो कि खराब स्टोरेज कंडीशंस के कारण उनकी क्वालिटी में कमी आ सकती है अब वो सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं जैसे बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर स्टोरेज स्ट्रक्चर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर में कमी आ जाए किसी विटामिन का लॉस हो जाए या फिर अगर डिफरेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाए जैसे कि एस्पेरेगस में फाइबरनेस हो जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है पोटेटो में ग्रीनिंग हो जाएगी तो ये एक टॉक्सिक सब्सांस भी होगा और इसके अलावा मार्केट वैल्यू भी एकदम गिर जाएगी उसके अलावा शूट ग्रोथ एंड डिलोंगेशन हो जाएगा या फिर स्प्राउटिंग जैसे पोटेटो जिंजर गार्लिंग और ऑनियन जैसे कमोडिटीज़ में अगर स्प्राउटिंग हो जाती है तो उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो बिल्कुल ही गिर जाती है तो इसी टाइप से हमें स्टोरेज स्ट्रक्चर में ध्यान रखना होगा कि किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की क्वालिटी डिट्रियट ना हो डिफरेंट रीजंस थे तो वहाँ पे पर्टिकुलर मॉइस्चर पर्टिकुलर टेम्परेचर और फिजियोलॉजिकल डिसडर्स से कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए अब स्टोरेज करने से पहले कमोडिटी की हार्वेस्टिंग होगी तो हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के बीच में हम कौन कौन से ट्रीटमेंट्स को यूज़ करते हैं जनरली तो वो दो टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं एक प्री कूलिंग और एक क्यूरिंग प्री कूलिंग का मतलब होता है फील्ड हीट को रिमूव करना यानी कि जैसे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद उसको जीरो से बारह डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे पानी में पंद्रह से बीस मिनट के लिए उनको रख देते हैं जिससे कि क्या होगा जो एक्स्ट्रा हीट है वो रिमूव हो जाएगी और ये एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पर आ जाएंगे मतलब एक कम टेम्परेचर पे आ जाएंगे जहाँ पर ट्रांसपरेशन और रेस्पिरेशन रेट जो है वो उनकी कम हो जाएगी नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है जो स्टोरेज से पहले किया जाता है वो है क्यूरिंग ट्यूबर क्रॉप्स या रूट क्रॉप्स में बहुत देर तक हार्वेस्टिंग के बाद उसको बहुत देर तक फील्ड में रख देते हैं या किसी पेड़ की छाया के नीचे रख देते हैं जिससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल आ जाता है वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट को सहने के लिए और दूसरा जो प्रोसेसिंग है इस प्रक्रिया के थ्रू जो प्रोसेसिंग है वो भी ईजी हो जाती है नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्टोरेज को अफेक्ट करते हैं क्योंकि अगर फैक्टर अफेक्ट ही नहीं करते तो हम किस अलग अलग स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की बात क्यों करते हैं हम एक ही स्टोरेज स्ट्रक्चर को लेके चलते पर यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टोरेज को अफेक्ट करते हैं जैसे कि टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे आर से डिनोट करते हैं लाइट एयर वेलोसिटी एंड स्टोरेज ऑपरेशन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टोरेज मैथड्स की स्टोरेज मेथड्स जनरली दो टाइप के होते हैं फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकेंड इज एडवांस मेथड। ट्रेडिशनल मतलब पहले ज़माने में जो लोग करते थे जैसे पिट स्टोरेज कर दिया नाइट वेंटिलेशन सब्जी और फलों के ऊपर पानी छिड़कते रहना ये सारी जो स्टोरेज मेथड्स हैं ये ट्रेडिशनल मेथड्स में इंक्लूड किए जाते हैं एंड नेक्स्ट है एडवांस मेथड्स जिनके बारे में हमने ऊपर टॉपिक में डिस्कस डिस्कशन uh, किया था जैसे कि सी ए एम ए कंट्रोल एटमोसफेयर एंड मोडिफाइड एटमोसफेयर स्टोरेज इवेपोरेटिव कूलिंग हाइपोबारिक स्टोरेज हाइड्रो कूलिंग ये सारे जो स्टोरेज मैथड्स हैं ये एडवांस मेथड में कंसिडर किए जाते हैं अब डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो सेल्फ लाइफ होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है एक जित फ्रूट क्रॉप जो है वो जितने दिन तक फ्रेश रहती है ज़रूरी नहीं है कि दूसरे भी उतने दिन तक ही फ्रेश रहे तो उनकी स्टोरेज लाइफ के बेसिस पे फ्रूट्स को अलग अलग क्लासिफिकेशन uh, उनका किया गया है जब से जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है वेरी पेरिशेबल बहुत ज़्यादा पेरिशेबल यानी कि बहुत जल्दी ख़राब होगी जीरो से चार वीक तक ही ये है चलते हैं उसके बाद इनकी जो क्वालिटी है वो गिर जाती है जैसे कि एप्रिकोट बनाना चेरी फिग मैंगो स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन कोलीफ्लावर कुकुम्बर पीस टोमेटो और मशरूम नेक्स्ट आते हैं पेरिशेबल जो चार से आठ वीक तक जिनकी सेल्फ लाइफ होती है जनरली जैसे कि ग्रेप पीच पाइनएप्पल मैंड्रीन प्लम कैबेज नेक्स्ट है सेमी पेरिशेबल जो छः से बारह वीक तक जिनकी सेल्फ लाइफ होती है जैसे कोकोनट ऑरेंज एंड नेक्स्ट है नॉन पेरिशेबल यानी कि जो बारह वीक से ज़्यादा अपने आप को सर्वाइव करवा पाते हैं या उनकी सेल्फ लाइफ बारह वीक से ज़्यादा होती है उनको नॉन पेरिशेबल कमोडिटी में इंक्लूड किया जाता है तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि वेरी पेरिशेबल जो कमोडिटी होती है उसमें कि, उसमें कितने वीक कंसिडर किए जाते हैं पेरिशेबल सेमीपेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल में जनरली कितने वीक्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप की जो एडवांस स्टोरेज मैथड है उनके बारे में जे डी की फुल फॉर्म है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर कभी कभी जे की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर क्या होता है जनरली किसी भी प्रोडक्ट का एक निश्चित दशा में भंडारण के लिए एक उपयुक्त टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी भी कमोडिटी को स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और वो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर से कम होने पर भी प्रोडक्ट को नुकसान होगा और उस अप्रोप्रिएट टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी उसको क्षति पहुंचती है यानी कि अप्रोप्रिएट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होने पर रेफ्रिजरेशन क्षति होती है और ज़रूरत से अधिक होने पर उनकी स्टोरेज एज या ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाता है इसीलिए स्टोरेज कंडीशन में अनस्टेबिलिटी के कारण प्रोडक्ट में वेट क्वालिटी इन सब में कमी आ जाती है अब जे कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा हम लार्ज स्केल पे इसको यूज़ नहीं कर सकते जेडीसी सी स्टोरेज स्मॉल लेवल पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर करने की बहुत कम लागत में स्टोर करने की हम बोल सकते हैं एक यूजफुल टेक्निक है जिसमें कि ट्रांसपीरेशन द्वारा टेम्परेचर को कम करने के प्रिंसिपल पे वर्क करती है यानी कि ट्रांसपीरेशन होगा अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में तो उनके आसपास की जो सरफेस होगी वो कूल रहेगी इसमें क्या करते हैं एक से एक सेंटीमीटर लंबा एक सेंटीमीटर चौड़ा और सिक्सटी सेंटीमीटर ऊंचा पक्की ईंटों की स्ट्रक्चर तैयार की जाती है ढांचा तैयार करने से पहले जो सोइल की सरफेस होगी जो सरफेस होगी उसके ऊपर रेत बिछा दी जाती है और सात से पाँच सेंटीमीटर दूरी पे दूसरी दीवार बना दी जाती है अब जो ढांचा या जो स्ट्रक्चर बनाई गई है ईंटों से या ब्रिक्स से उसके ऊपर बांस का बना एक ढक्कन जिसपे घास फूस गनी बैग्स लगा देते हैं और उनको टाइम टू टाइम उन गनी बैग्स को उस घास फूस को पानी डाल के भिगोते रहते हैं जिससे कि क्या होता है जो इन आ, इनर टेम्परेचर होता है उस स्ट्रक्चर का वो कंट्रोल रहता है बाहर के टेम्परेचर की तुलना में अंदर लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम होगा टेम्परेचर कम होगा ट्रांसपायरेशन रेट कम होगी तो रेस्पायरेशन कम होगा और जिससे जो कमोडिटी है वो जल्दी डैमेज नहीं होगी नेक्स्ट स्टोरेज की हम बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज जो है वो एक मॉडर्न मेथड है जे को जनरली ट्रेडिशनल मेथड में इंक्लूड कर लेते हैं कभी कभी मॉडर्न मेथड में भी पर जनरली उसे ट्रेडिशनल मेथड में ही इन्वॉल्व किया जाता है कोल्ड स्टोरेज का सबसे अप्रोप्रिएट प्रॉफिट ये है कि इसमें हम जितना चाहे उतना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं जितनी चाहे उतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं और आउटर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलता कोल्ड स्टोरेज मिनिमम टेम्परेचर द्वारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के प्रिंसिपल पे वर्क करता है जनरली आपको इन सारी जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स पर फोकस करना है कि कौन सा स्टोरेज स्ट्रक्चर किस प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है जैसे कि जनरली यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है कि पर्टिकुलर एक कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं जैसे ग्रेप्स के लिए टेम्परेचर माइनस वन से माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड नब्बे से नाइन्टी फाइव परसेंट इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम इस टेम्परेचर और इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ इसको स्टोर करते हैं तो इसको तीन से छः महीने तक हम स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स के लिए दिया गया है जैसे गवावा को अगर सात से दस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और नाइन्टी परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर रखा जाए तो इसे हम दो से तीन वीक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं नेक्स्ट टाइप की स्टोरेज स्ट्रक्चर आती है कंट्रोल्ड एटमोस्फेयर या फिर जिसे सी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है स्टोरेज ड्यूरेशन में फ्रूट्स और वेजिटेबल क्या करते हैं रेस्पाइरेशन के दौरान ऑक्सीजन का यूज करते हैं और सीओटू और इथाइलिन को निकालते हैं या एक्सक्रीट करते हैं अब जहाँ पे इथाइलिन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे फल और सब्जियाँ जल्दी पकेंगी तो इथाइलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है उस इथाइलिन की कंसनट्रेशन फलों को पकने की प्रक्रिया को बढ़ा देती है और उनमें क्लोरोफिल की कमी ला देती है जिससे सब्जियाँ क्या होती हैं पीली पड़ जाती हैं इसीलिए इस विधि में स्टोरेज हाउस के अंदर ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं और सीओ की मात्रा में वृद्धि और इथाइलिन की मात्रा को कम कर देते हैं जिससे स्टोरेज ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इथाइलिन की कंसनट्रेशन में कमी होगी तो फ्रूट्स जो और वेजिटेबल्स जो हैं वो जल्दी नहीं पकेंगे और जिससे उनके स्टोरेज ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं और इससे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है इसीलिए इसे सी ए स्टोरेज या कंट्रोल्ड एटमोसफियर बोलते हैं नेक्स्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर आती है मॉडिफाइड एटमोस्फीयर या जिसे एम एस स्टोरेज के नाम से जानते हैं मॉडिफाइड एटमोसफियर में क्या करते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आसपास के वातावरण को कंट्रोल नहीं करते हैं बल्कि मॉडिफाइड कर देते हैं इसमें जनरली गैसों के दबाव को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा में दो परसेंट की कमी कर देंगे और CO2 की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देंगे जिससे कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल की रेस्पाइरेशन रेट है वो फिफ्टी परसेंट कम हो जाती है लेकिन हाँ ऐसा देखा गया है कि जब हम एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करते हैं तो कभी कभी कुछ स्मेल आ जाना या फिर इमेच्योर इम मेच्योरिटी आ जाना इरेगुलर इम कहीं कहीं से फ्रूट या वेजिटेबल का पक जाना और कहीं कहीं से नहीं पकना तो ये सारी इसमें जो कमियां हैं वो देखी जा सकती हैं लेकिन मॉडिफाइड एटमोसफियर या फिर कंट्रोल्ड एटमोसफियर एम ए या सी स्टोरेज में मेन जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि उसमें गैसेस का कंट्रोल किस टाइप से है वैसे देखा जाए तो कंट्रोल्ड एटमोसफियर ज़्यादा यूजफुल होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इसीलिए जनरली मॉडिफाइड एटमोसफेयर को यूज़ किया जाता है नेक्स्ट आता है कि सी और एम एस स्टोरेज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो ये फ्रूट की इथाइलिन के प्रति सेंसिटिविटी को कम कर देता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को सी और एम एस स्टोरेज के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है और पोस्ट हार्वेस्ट डिके जो होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है